जी बेबी सुना रही हूँ यार, एक मिनट बाल तो खोलूं जान। ऐसे नहीं करते, सब्र करते हैं जान। आज आपने स्कूल में पोनी बनाई थी तो आपको अच्छा लगा था। आपकी फ्रेंड्स क्या कह रही थी? और क्या कहा था टीचर ने? क्या कहा था टीचर ने? पनिश क्यों दी आपको? क्योंकि मैं बातें कर रही थी। क्या बातें कर रही थी? मेरी जो दोस्त है ना अभी, हाँ हसन, उससे सब आपके बालों में डैंड्रफ हो रही है यार। ये क्यों आप केयर नहीं कर रही? कौन सा शैम्पू यूज कर रही है? शैम्पू तो मैंने इस दफा चेंज किया हुआ तो, लेकिन ये मुझे पता क्या लग रहा है, जब तक गर्म पानी से जान है ना छूनी, मुझे लग रहा है। अच्छा, बाल भी वाइट हो रहे हैं। केयर किया करो ना अपनी, ये डैंड्रफ देखो। जाइना की तो इस शैम्पू से खत्म हो गई है, ये देख। इसका तो यहाँ पे पूरा ना सिकड़ अच्छा वो बना हुआ था। अच्छा, की बात है, लोगों की इसकी गर्मियों में आ जाती है और लोगों की सर्दियों में डैंड्रफ। हाँ, लेकिन ये डैंड्रफ जो है ना, ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। वैसे तो जुएं भी बहुत खतरनाक हैं, लेकिन जुओं का ये हल है कि हम उनको साफ करने, अगर वो कोई कर भी देगा, कर भी देता है वो तो। लेकिन डैंड्रफ ये है कि जो ही करो तो नहाओ तो फिर डैंड्रफ के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके वैसे डैंड्रफ के लिए ना मैंने पढ़ा था वो जो योगर्ट है ना वो बहुत अच्छा। अच्छा, डैंड्रफ का एक नुकसान ये भी है कि इससे बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपसे सुना, मैंने भी सुना। जी जी, इससे क्योंकि ये जो रूट्स होती है ना, इनको ये डैमेज कर रही होती है ना। अच्छा, रूट्स को डैमेज कर रही होती हैं, फिर उसमें ये होता है कि वो फिर जाहिर है जो हेयर कलर होता है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। चलें पुप्पू, अब आज आप इसको स्टोरी सुनाएं। कैरी मुझे छोटे तक की कोई स्टोरी इसको सुनाया जेन में आया। अच्छा, मैं तो जाइना को बहुत स्टोरियाँ सुनाती हूँ। अच्छा, बहुत 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 है ना जाइना। जाइना आपको पता है कि सच बोलना चाहिए हमें या झूठ बोलना चाहिए? हमें सच, सच बोलना चाहिए ना। तो अगर जो झूठ बच्चा बोलता है उसका क्या खत्म हो जाता है? एतबार, उसकी बात पर फिर कोई एतबार नहीं करता। वो फिर ये सच भी अगर वो बंदा बोलता है ना या बच्चा, तो वो फिर सब समझते हैं कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। उसमें आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। वो आपने कहानी तो नहीं पढ़ी होगी ना, वो एक जो होता है लड़का, वो जंगल में अपने बकरियां लेकर जाता है। हाँ, मेरे बाबा ने सुनाई हुई है। मैं सुनाऊं दोबारा से आपको, रिमाइंड करवा दूं? नहीं, वो शेफर्ड वाली थी, मेरे बाबा ने सुनाई थी। अच्छा, इट मींस कि आपको ये और सुनाए। अच्छा, फिर वो एक और थी, वो कौन थी जो वो होता है कि शेर वो अपने जंगल में जा रहा होता है तो एक चूहा आ जाता है वहां पर। हाँ, किसी के काम आ जाना, किसी के काम आना अच्छी बात होती है ना। जी। और क्लास में बच्चों को स्टोरी सुनाती है? मैं हाँ बच्चों को सुनाती हूँ, लेकिन जरा कम होता है ना, टाइम कम होता है तो वो फिर इसलिए उनको लेसन मुकम्मल करवा के, वो उनके जो लेसन होते हैं ना, मैं उनको उनको स्टोरी की तरह ही उनको समझा देती हूँ, ताकि बच्चों के जहन में भी रहे और बच्चों को एक लेसन मिल जाता है कि ये एक स्टोरी की तरह तो हम वो कर रहे हैं, इसको लर्न कर रहे हैं। हाँ जी। तो और एक स्टोरी भी हो गई हमारी और एक उनको जो हो गई ना, एक एडवाइस भी हो जाती है। सही कह रही हैं, बच्चों के लिए वही जो उनके लेसन होते हैं। हाँ, मैं उनको स्टोरीज की तरह उनको समझाती हूँ लेक्चर देकर, ताकि बच्चों की एक एडवाइस हो जाए और उनको ये भी हो जाए कि जी हमने ये काम ऐसे करना है, और उनको लर्न हो जाता है। सही कह रही हैं, बच्चों को लेक्शन से सुनाए ना या किसी का हवाला दे कि तो बच्चे ज्यादा माइंड में। मैंने उनको यही कहा है कि आप ना एक स्टोरी की तरह इसको माइंड में बिठाएं, जैसे आप कार्टून स्टोरी देखते हैं ना। हाँ जी। या कहीं और टीवी पर देखते हैं, मूवी देखते हैं। हाँ जी। तो इसी तरह जो है ना, आपने इस लेसन को स्टोरी की तरह समझना है। अब तो इतने एक पीरियड खत्म होता है तो दूसरा, बच्चों बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता।
पहले नहीं तो होता था, टीचरें स्टोरी सुना देती थी, अब सिर्फ स्टार्टिंग जो क्लास है ना उसमें टीचर्स सुना देती हैं, वो भी 5-6 मिनट ओनली बचते हैं। नहीं नहीं ये जुहेर छोटी क्लास है ना इसकी, इनकी टीचर इनको स्टोरी वगैरह भी सुना देती हैं और मतलब बुक्स भी उन्होंने इस तरह की लगाई हैं कि जिससे इनका स्टोरी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। अच्छा हाँ जी, यही आजकल वो हो रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों का आपको पता सिलेबस जरा कम होता है ना, उनके लिए टाइम बच जाता है। हाँ, वो तो हेड डाउन करके इनको सुला भी देती हैं, बताता है मुझे मामा, मुझे भी टीचर ने कहा था हेड डाउन करने का। अच्छा हाँ जी, आपको अकेली को नहीं, सब बच्चों को कहती है, सब बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते बहुत। अच्छा अच्छा मामा, स्टोरी आप बहुत सुनाएं, और कोई बताएं, कोई और जेन में है आप जो फजर को भी आपने सुनाई हो और कश्माला को भी सुनाई हो, कोई है स्टोरीज? तो जो मैंने उसको कहा है कि वो मैंने सुनी हुई है वो। अच्छा, वो ऐसा हुआ एक बार ऐसा हुआ कि मैं उसको एक क्लास ले रही थी, तो वहाँ पे स्कूल में ना बहुत कम लोगों को पता था कि ये मेरी बेटी है कश्माला आपकी जो है ना, वो पुप्पू की बेटी है, वो अपनी बेटी की बात सुनाने लगी। तो मैंने उसको घर में कहा बेटा कल टेस्ट है और आप जो है ना होमवर्क आप नहीं करती हैं, तो टेस्ट याद कर लो। तो जब जिस वक्त टेस्ट देने का वक्त आया ना, तो वो कहती टीचर आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा चलें आप भी चलें टेस्ट के लिए, वहाँ बाहर चलें और टेस्ट की तैयारी करें। तो उनको 5 मिनट दिए जाते हैं, 5 मिनट कि जी आप टेस्ट की तैयारी करें। तो वो जी हेड डाउन कर लिया उसने। तो वो कहते हैं जी आज टीचर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे तो पता ही था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप उठें चलें जल्दी से क्लास में जाएं वरना पनिश मिलेगी आपको। तो वो बस बाहर जाने के लिए उसने कहा कि मैंने नहीं जाना। मैंने उसे खड़ा किया और मैंने उसको ना एक दो स्टिक लगाई। वो सब बच्चियां जो थी ना वो हैरान होने लगी कि ये आज टीचर जो हैं क्यों एक बच्ची को पनिश दे रही हैं। मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी ये इस बच्ची ने तैयारी नहीं की। बस फिर इस तरह करके जो थी ना वो, फिर उसने आइंदा के लिए तौबा कर ली। और फिर उसने ऐसे ही किया कि जब भी मेरा कोई टेस्ट का वक्त आता है या कोई एग्जाम या कुछ भी, फिर उसने कभी बहाना नहीं लगाया। समझ आ गई? हाँ जी। और कह रही है कि मैं उसकी मामा भी थी लेकिन मैं टीचर भी थी ना, मैं जब मैं क्लास में थी तो मैं एक टीचर हूँ, मामा नहीं हूँ। मामा नहीं हूँ मैं। उन्होंने आप ही ने समझा कि मामा मुझे ना छोड़ देंगी, फेवर दे देंगी। फेवर दे देंगी, मैंने उसको फेवर नहीं दी। मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा अगर आपको आज मैंने फेवर दे दी ना, आज आपको मैंने पनिश ही देनी है। बस फिर वो उसको मैंने पनिश दी, एक बच्ची को और मैंने पनिश दी। वो इसलिए कि वो उसने छुट्टी की थी, उसको पता था कि आज टेस्ट है, पिछला टेस्ट भी उसने मिस किया। फिर मैंने कहा जी तुमने पिछला टेस्ट मिस किया था तो आज आपको फिर पनिश मिलेगी। दोनों को मैंने पनिश दी। और जाइना को तो पप्पू आपको पता मैं इतनी फेवर देती हूं, मामा पढ़ाती है ना तो मामा इतनी ज्यादा फेवर देती है। बिल्कुल। ये जी मैं कार्टून देख लूं जरा, मैं जरा रेस्ट ले लूं, इनका सारा दिन रेस्ट ही नहीं खत्म होता। जैसे घर के काम। और कोई है? और भाई कोई कश्माला की और याद नहीं आ रही, अभी करती हूं, याद करती हूं कि उन्होंने पोजीशन ली और आपको बड़ा अच्छा लगा हो। पोजीशन तो माशाल्लाह वो हर साल लेती रही है। और वो सुबह को मॉर्निंग में ना, मॉर्निंग में जब वो होती थी ना असेंबली में, तलावत के बाद जो नात होती थी ना, वो वही पढ़ती थी। तो उसमें ना उसकी बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खामोश होके पूरा हॉल सुनता था। और वो बस एक वहाँ पे ना उसने रिपीट कर दी जो थी हम्द। तो वो फिर एक टीचर कहने लगी आप इसे रिपीट कर रही हैं, अभी इसी वीक में ये पढ़ी थी आपने। तो उसको ना फिर बहुत डिसहार्ट हो गई फिर, लेकिन वो पढ़ी उसने। फिर उसके बाद उसने कहा जी मैं नहीं पढ़ूंगी मुझे टीचर ने। लेकिन मैं यही कहूंगी कि बच्चों को जो है ना किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा ये जो बाल है ना आपके, ये बाल वाइट है ना, ये खारिश कर रहे हैं। अच्छा इधर हैं इस साइड? हाँ इधर भी हैं। फिर डैंड्रफ भी हो रही है आपके, ये देखें अभी मैंने कल बात की है। हाँ ये देखें, ये डैंड्रफ, ये वाइट बाल पैदा कर रही है, ये देखें। मामा आपके बाल क्यों हो रहे हैं? पता नहीं जाना, बूढ़ी हो रही। नहीं मामा इतनी जल्दी तो बूढ़ी कैसे हो सकती है? तो वाइट के बाल हो जाते हैं जब बूढ़े होते हैं। बूढ़े होते जाओ तो फिर आप की हर चीज जो है वो वीक होती जाती है। आपके बाल भी वाइट आ जाते हैं, आपकी बोन्स भी वीक हो जाती हैं, आपके चेहरे पर रिंकल्स हो जाते हैं।
तो आपका कलर भी जो है वो भी थोड़ा सा डल हो जाता है। फिर हम ये हो जाता ना कि हम लोग दोबारा से वो जो इम्यूनिटी होती है ना, जो बीमारियों से लड़ने वाली ताकत होती है वो थोड़ी वीक होती जाती है ना। जब आप बच्चे होते हो या यंग होते हो तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। सबसे बड़ी बात है जो बच्चे खाना नहीं खाते टाइम पर या ठीक से डाइट नहीं लेते वो जल्दी वीक हो जाते हैं। हम तो हर रोज खाना खाते हैं, नाश्ता जो टाइम पर डाइट नहीं लेंगे, दूध नहीं पिएंगे, मामा का कहना नहीं मानेंगे, टाइम पर सोएंगे नहीं, टाइम पे खाएंगे नहीं, फिर वो बच्चे भी वीक रहते हैं। ये जरूरी नहीं है। नहीं, मैं इनको ना नाश्ता आपकी लाजमी करवा के, चाहे कुछ बाइट्स ही जबरदस्ती मुझे देनी पड़े ना, हाँ, वो लाजमी मैं इनको करवा के भेजती हूँ कि वहाँ ये ना हो कि इतनी देर बाद तो ब्रेक होनी होती है। तो ये जब बच्चों को भूख लगती है तो तब भी इनसे पढ़ा नहीं जाता है। हाँ। वो इतनी वीकनेस हो जाती है इनमें। वो छोटा जो है ना वो वैसे आम रूटीन में घर में हो तो तंग नहीं करता, लेकिन जो ही जब सुबह का टाइम होता है पता नाश्ता करने को दिल नहीं करता, इतना तंग करता है जायना को। फिर मैं जबरदस्ती मैं ये करूंगा तो मुझे वो करेंगी, मुझे वो ये बहाने ना खाने पीने के बहाने शर्ते हैं। मामा जान जी आ, 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 और कोई बातें हैं? और कोई बात आप मुझे ये बताएं कि आज टेस्ट आपका कैसा हुआ? हाँ, बहुत अच्छा। क्या भूला था? मामा वो जो आपने फिश बनाई थी वो नहीं आई थी। नहीं आई थी। ड्राइंग कैसी है आपको? ड्राइंग कैसी लगती है? जायना की ड्राइंग बड़ी अच्छी है। इसको अपनी मामा की ड्राइंग नहीं अच्छी लगती, अपनी अच्छी लगती। मामा अच्छी ड्राइंग नहीं बनाती? उनकी राइटिंग अच्छी है, ड्राइंग नहीं अच्छी। अच्छा, जायना की राइटिंग भी अच्छी, ड्राइंग भी। अच्छा, तो आप अपना जो है क्या बनेंगी बड़ी होके बेटा? मैं भी आपकी तरह टीचर बनूंगी। बस टीचर बनोगे? टीचर क्या है, टीचर को तो आजकल बस। लेकिन टीचर अगर ना हो ना तो फिर बच्चे बड़े ओहदे पर भी नहीं जा सकते। कोई कुछ भी नहीं बन सकता अगर टीचर ना हो, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। और आपको पता मेरी बेटी जो है ना छोटी क्लास की जो उसकी टीचर है ना स्टार्टिंग की, उन तक से अभी तक मिलती है। अभी तक। अच्छा, बच्चे बहुत प्यार करते हैं अपनी टीचर से? बहुत, जाके ना उनको बकायदा रिमाइंड करवाती है। अच्छा, मैं आपको याद करती थी, मैंने आपको इतने दिन में याद किया। बच्चे तो याद रखते हैं इतने बड़े भी हो जाए तो। स्टूडेंट वो अभी टीचर्स के पास जाए सी बात है, इतने गिर ना जाना बच्चों, उस साइड पे नहीं जाना आपने। तो बहुत सारी जो बच्चियां हैं ना उन्होंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद जो है ना वो एजुकेशन में गई हैं और उन्होंने टीचिंग ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, एजुकेशन रखी अपने सब्जेक्ट्स में ना, उन्होंने कहा जी हमने टीचर बनना है। इधर भी आपके बाल डैंड्रफ है और आपके जो बाल व्हाइट हैं वो आपको तंग कर रहे हैं। ये देखिए डैंड्रफ हो रही है। मैं ना हर रोज जाके ना वो अपनी टीचरों से, सारी टीचरों से मिलती हूं। वेरी गुड। टीचर शनीला, टीचर रजिया। और जो बच्चा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है ना वो हमेशा कामयाब रहता है। पहले अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और इसी तरह टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमेशा कामयाब करेगा। पता है ना आपको? आप इंग्लिश टीचर हैं? मैं ऑल सब्जेक्ट टीचर हूँ। जिस तरह टीचर रजिया और टीचर शनीला की आपको टीचर अक्सा भी हर सब्जेक्ट पढ़ाती थी? नहीं, अब तो वो टीचर अक्सा तो नहीं पढ़ाती, वो तो नहीं नहीं, जैसे वो क्लास में सारे पीरियड्स नहीं थी लेती, वो इस तरह कह नहीं है। हाँ, किसी एक स्पेसिफिक उसके पीरियड की नहीं है ना, सब्जेक्ट की। मेरे तो बहुत ज्यादा टीचर है मामा, पता कितनी? 8 की 2 टीचर है। अच्छा, सारों की 2-2 टीचर हैं। इनकी जब मतलब जो प्राइम वो होता है ना केजी, उसमें एक ही टीचर रखते हैं। अच्छा, जो ही जब आप उसमें प्राइमरी में चले जाते हैं ना, फिर टीचर हर क्लास की, हर पीरियड की ना टीचर। तो ये ऐसे ही हमारे स्कूल में भी ऐसे ही है। अच्छा, मेरा असल में पता क्या है, मैं हूँ इंचार्ज अपने। अच्छा। सेक्शन की जो है ना, उसके प्राइमरी सेक्शन की मैं इंचार्ज हूँ। अच्छा, अच्छा। जिस दिन कोई टीचर नहीं आती ना मैं उस दिन क्लास लेती हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, चाहे वो 1 की 2 की 3 की 5th की। अच्छा। इस तरह करके मैं अपने सेक्शन इंचार्ज हूँ और जिस वक्त टीचर कोई नहीं आती तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, टीच करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या क्या वो जब से ये हुआ ना स्कूल ओपन हुए हैं तो वो फिर इंचार्जशिप दे दी गई, तो उसमें मेरा पी रही है कि ऑलराउंडर, मतलब जहाँ भी क्लासों को देखना, बालना, टीचर्स बातें तो नहीं कर रही या गलत तो नहीं पढ़ा रही,
इस तरह करके उनकी जो होती है ना गाइडलाइन वो सारी उनको मैं ठीक करती हूँ, सही है, उनको दे देती हूँ, मतलब मेंटेनेंस आप करती हैं जी। मामा जी, बच्चियाँ बहुत खुश हैं, टीचर मुझसे बहुत खुश होती हैं। मैंने ना अपना आज ना एक टीचर को उनकी मामा से बात करते हुए देखा था फोन पे। हाँ जी, वो फोन लाने की परमिशन है स्कूल में टीचर को? हाँ जी, टीचर फोन पे बात कर रही, टीचर की बात कर रही। ओह अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद आपकी क्लास फेलो। नहीं नहीं, वो मैंने उनको सुना था। मामा, और आपको पता है वो उर्दू के टीचर ना वो दूसरे, पता है आपको, वो चेंज अलग अलग क्लास कर दिए, कुछ अलग अलग कर दिए। कोरोना की वजह से ना, वो इसलिए कि बच्चों को जरा थोड़ा सा उनको, आप लोगों को काफी स्पेस में बिठाया जाता है ना। और मामा जो एक टीचर ना सादिया है, वो दूसरी क्लास की है ना, मतलब डिवाइड किए हुए है ना, यहाँ वहाँ पढ़ती है। तो मैं एक उर्दू की टीचर का हूँ। तो आपकी फेवरेट टीचर कौन है? आपकी फेवरेट कौन सी है, कौन से सब्जेक्ट की टीचर है? मेरी आर्ट। आर्ट, आर्ट्स की? अच्छा अच्छा, आर्ट टीचर। वो जो स्ट्रिक्ट आर्ट की टीचर है, वो नहीं मुझे पसंद, जो अच्छी वाली है ना आर्ट की टीचर। अच्छा, टीचर मारती तो नहीं है आपको? नहीं, कोई भी नहीं मारता मुझे। हमारे स्कूल में तो जगह जगह ये लिखा भी हुआ है और मीटिंग में बात होती है। हाँ। कि बच्चे को मारना नहीं है, उसको थप्पड़ थप्पड़ लग जाता है। काफी डर कह रहा है कि यहाँ से ना फैमिली का टाइम खत्म हो गया, निशानी वगैरह आके लड़ते हैं, तो आप भी नीचे आपने बताया नहीं है आपके कौन से फेवरेट टीचर हैं? मेरी आर्ट की कहा है ना? आर्ट की भी दो टीचर है, एक टीचर मायरा, एक आर्ट की टीचर। मम्मा, टीचर मायरा मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, उनकी आज बर्थडे थी, उन्होंने सारों ने उनको गिफ्ट दिए थे। अच्छा। हाँ, बल्कि उर्दू के टीचर ने भी दिए थे। अच्छा। हाँ जी, वो मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं, उनके बाल बहुत स्ट्रेट है। सुन रही हैं? बालों की वजह से अच्छी लगती हैं आप? हाँ जी। बालों की वजह से अच्छी लगती है। अच्छा, ये वैसे नहीं अच्छी लगती जो क्लास स्टार्टिंग क्लास होती है। हाँ। नर्सरी से पहले इनके स्कूल में रिसेप्शन बोलते हैं उसको। अच्छा। इनकी जो क्लास में बच्चियां थी ना, टीचर से मैं जाके मिलती हूँ, तो टीचर कहती हैं कि ये ना मिलके सारी इनका ग्रुप है बच्चियों का, पता बन जाता है कि ये हमें मुझे मस्का लगाती हैं। अच्छा। यू लुकिंग वेरी नाइस। और तब ये 3-3.5 साल की थी। अच्छा। तो मैं कह रही थी पता नहीं लड़कियों में शुरू से ये चीज जो है ना आना शुरू हो जाती है कि ये मस्काबाज हो जाती है। मामा, सब भी नहीं होती खैर। हाँ, कुछ टीचर्स खुद कहती है कि जी हमारी आप तारीफ करें कुछ। हाँ, मैं कैसी लग रही हूँ बच्चों आज? आपको सिर्फ ये कुछ टीचर जो होती है, मैंने खुद मैंने सुना है, मैं राउंड पे थी एक बार। हाँ। तो वो पूछ रही होती हैं नर्सरी प्रेप वन क्लास के पास से मेरा गुजर हुआ ना, तो बच्चों आज मैं कैसी लग रही हूँ आपको? हाँ। तो वो सब बच्चे कहेंगे वेरी क्यूट, वेरी नाइस, वेरी गुड, फिर वो क्लैपिंग होती है। अच्छा। तो वो मैं भी गुजर रही थी, तो मैंने देखा, मुझे बड़ी हंसी भी आई, तो मैंने कहा चले ठीक हो गया। अभी बच्चों से पूछा नहीं, बच्चों ने कहा नहीं है, तो बच्चों से पूछ लिया। मामा जान, आपको पता है आज ना वो फिर किसी की बर्थडे थी। मामा, आज फिर किसकी बर्थडे? अच्छा, डेली बर्थडे रहती है किसी न किसी की। ये तो रोज कभी किसी की बर्थडे। हमारे स्कूल में भी यही पंगा है, छुट्टी होने के बाद ना बर्थडे है जी आज, आप 15-20 मिनट पहले जो है ना वो उनको बता दिया जाता है बच्चों को। अच्छा, अच्छा जी, ये वाइट बाल जो है ना आपके। हाँ। इनको आप कम करने की कोशिश करें और कोई ऐसा शैम्पू यूज करें कि जो आप,
नहीं शैम्पू में बता रही हूँ ना आपको, ब्लैक जो जिसका वो फॉर्म में होता है ना, ब्लैक फॉर्म में वो वाला यूज करना हो। आज मोहम्मद अब्दुल्ला जिसका एक व्हाइट लिक्विड होता है ना जी, वो ना ली। आज मोहम्मद कुछ लोगों का, हाँ चलो मैं उसके बारे में सर्च करूंगी कि क्या है उसका। मामा जो मोहम्मद अब्दुल्ला है ना वो केक भी लाया था। अच्छा हाँ जी, उसका टीचर ने सारों को डिवाइड कर दिया था, कैंडी नहीं लाया था वो केक लाया था। तो मैंने वो देखी है रिसेप्शन, ऊपर मेरी कॉपी पे लिखा हुआ था कि मेरी तो वहाँ ईजा भी थी, वाफिया भी थी, रोहा भी थी, मिनाहिल भी थी। अच्छा आपको याद नहीं, वाफिया मुझे मिलती है। वाफिया मिलती है, वाफिया तो मेरे हाल में वो हो गई है ब्रश दे दे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ब्रेक में एक बार मुझे मिली थी। अच्छा जब नहीं मैं मेरा दिल नहीं चाहता था मेरी दोस्तों से खेलने से, तो जब वो मिल जाए तो उसके साथ खेल लेती हूं। ना ऐसे नहीं करते बेटी, मम्मा से उनके साथ भी खेलती हूं। हाँ उनके साथ भी खेलना बहुत पसंद है। मामा आपको पता है मेरी क्लास में इतनी लड़कियां थी जिन्होंने मेरी तरह पोनी कर के आई थी, ईमान भी, और पोनी करना तो अच्छी बात है ना, मिकाइला भी, कुछ लोग होते हैं कुछ टीचर्स भी होती हैं जो बाल खोले रखती हैं। टीचर माया ने अपने बाल खोले हुए, कभी कभी खोल लेने में कोई हर्ज नहीं है बच्चा, लेकिन मैं तो हर रोज बात करती हूं। जो यंग टीचर्स है ना, हां आपको पता है बालों के बारे में, उन्होंने बाल स्ट्रेट करके ना खोल लेते हैं। हां वो हम लोग जरा हो जाते हैं ना बच्चों वाले, सूजन होती है लेकिन अदरवाइज उनको नहीं होती। ऐसा ही आपका इतना प्यारा स्टाइल बनाया, वाओ इस तरह का मेरी ईमान दोस्त भी बना, वेरी गुड और मैचिंग स्टाइल है। मम्मी मेरी कर दो छुट्टियां, बना दो बाल। मेरी ईमान दोस्त भी बना के लाई थी, मिकाइला भी, और वो क्या कहता है आयमा दोस्त भी, मियाहिल भी। अच्छा अबीहा भी। अच्छा गांव की औरतें इतना कस के बॉल बनाएंगी यहाँ से, हाँ यहाँ से भी कस के इतना, वो बस देख के वो दुख होता था। एक दफा आ गई थी हमारे मोहल्ले में ना, वो खातून आई हुई थी तो उनके ना गांव से आई हुई थी मेहमान। अच्छा तो वो मैं उनको देख रही थी, उनकी बच्ची रो रही थी। अच्छा। इतने कस के वो बाल बना रही थी ना। अच्छा। तो ये है कि बच्चों के लिए ना जरा नरम हाथ रखना चाहिए, और कस देने से बाल, एकदम कस देने से बालों में खिंचाव पैदा होता है। हाँ। और फिर बालों भी है, बाल टूटते भी है और बच्चों को तकलीफ होती है या बड़ों को। अच्छा। तो नरमी के साथ जो है ना जितना हम करेंगे ना बालों को, मेरे अपने फैमिली पे हैं, आपके अपने फैमिली पे हैं, मुझे स्ट्रेट होने चाहिए। इसके पुप्पो के सबके ना सिल्की है ना बाल। अच्छा मुझे बहुत स्ट्रेट बाल बहुत। अच्छा और ब्राउनी स्ट्रेट बाल हैं तो सही है आपके, लेकिन